Adanisha won. Arushi Thakre. Idhar beta. Nazim Sheikh. तालियां जोर से तालियां होनी चाहिए। हेलो, अल्बम मार्केट में आए हैं और शहरी बहुत ही अच्छे गाना भी लिखते हैं, शायरी बहुत अच्छा, और जिनके दो एल्बम मार्केट में आ चुका है। आइए सर, आप प्लीज आप यहाँ पे बैठिए। हैदर, हाँ तो आइए सर, हैदर भाई प्लीज। दशहरा आप सबको, आज इतना मुबारक दिन है कि आज जीत हुई है हक परस्तों की, और जो नाहक लोग थे उनको मिटा दिया गया है, जहाँ तक मुझे पता है। बोल रहे तो चार बंद सुनाऊंगा आपको कि चिरागों को आंखों में महफूज कर लो, न जाने कहाँ फिर सियाह रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भाई की मोहब्बत है और विशाल सर की मोहब्बत है। और सुनिए के चार पद और सुना देता हूँ आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ। ये चिरागों को आंखें महफूज हो जाए, कहाँ पर चला था मुसाफिर हमने मुसाफिर तुमसे, किसी मॉल पर भी मुलाकात होगी, चोट एक और खा के देखेंगे फिर निगाहें मिला के देखेंगे, चोट एक और खा के देखेंगे फिर निगाहें मिला के देखेंगे, दिल अगर दर्द सह नहीं सकता दर्द को दिल बना के देखेंगे। पूरा मिल गया सत्यम, तुम पीछे ले लेना। पहली बात, चैलेंजर मित्र मंडल के द्वारा आयोजित आज पुरस्कार वितरण माँ भगवती का, आज दशहरा का दिन है। आज सबसे पहले दशहरा में जिस प्रकार से कहा जाता है कि नेगेटिविटीज का अंत होता है, जो नकारात्मक सोच है उसको समाप्त किया जाता है आज रावण को दहन करके, और जो भी लोगों का जो रहता है वो समाप्त किया जाता है आज के दिन रावण को जला के, और प्रभु राम को याद करके, प्रभु राम के सोच को और प्रभु राम जो उनके चरित्र, जिस प्रकार से वो पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, तो उनके चीज़ों को सीखना और उनके चीज़ों को अमल करना अपने जीवन में, ये सिखाता है आज ये दशहरा जो है, वो सिखाता है कि किस प्रकार से हमें जो गंदगी है उसको समाप्त कर देना चाहिए, जो गलत सोच है लोगों में वो भी समाप्त करके, और आज के दिन हमारे
बोरीवली के सांसद गोपाल सेट्टी जी ने आज जो रावण को दहन किया है वो इसलिए दहन किया है कि झोपड़ पट्टी मुक्त हो, और उस पर आज से उन्होंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है और हम लोग उनके साथ में हैं। सबसे पहले मैं अपने सांसद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज दशहरा के दिन भी, और जैसा मुझे जानकारी है कि वो दोपहर का खाना खाने के लिए जाने वाले थे, दोपहर का वो भोजन प्रसाद ग्रहण करने वाले थे, उसी समय उनको फोन आता है कि मयूर जी का कि इस प्रकार का एसआरए के द्वारा 3 परिवार को बेघर किया जा रहा है, और उसी समय वो वहाँ पर पहुँच के आंदोलन करके उन लोगों का सहारा के रूप में माँ भगवती के जैसे एक दूत को भेजा, उस प्रकार से हमारे सांसद वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उन 3 को बेघर होते हुए बचाते हैं। तो सबसे पहले मैं सांसद जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ कि जिस प्रकार से वो लोगों के लिए हरदम किसी न किसी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि अगर दिवाली से पहले ये एसआरए का मुद्दा हो, झोपड़ पट्टी का मुद्दा हो, अगर वो सॉल्व नहीं होता है और 2011 वाले को अगर घर नहीं मिलता है तो वो दिवाली के रोज भी मोर्चा निकालेंगे, और मैं अपने सांसद जी के साथ में खड़ा हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अपने यहाँ के हिंदू समर्पित जो सरकार है, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, उस अफसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि दशहरा के रोज हम लोग देवी का पूजा करते हैं, राम का पूजा करते हैं, रावण का दहन करते हैं, और उस दिन इस तरह का घृणित कार्रवाई करने का जो प्रयास किया या जो षड्यंत्र किया उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झोपड़ पट्टियों और जितने भी गरीब कुचले जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी तत्व खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बच्चे माँ दुर्गा का सेवा 9 दिन तक किए, कोई बच्चा फैंसी ड्रेस में जीता, कोई महिला जो है कैंडल जलाई उस पर जीते, दीपक शिंदे जी के द्वारा तरह तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पर, और 9 दिन में जो भी उस कैटेगरी में आए उन लोगों को आज इस मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। सबसे पहले तमाम मीडियाकर्मी को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच, आप सभी को हैप्पी दशहरा। यहाँ पे तमाम आए हुए मंडल के सदस्यगण, अध्यक्ष, उन सभी को दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। साथ में हमारे बीच में जाने माने समाज सेवक, हम सबके दिलों के चहेते धड़कन, और साथ में एक युवा नेता, एक देश को आगे रास्ता दिखाने वाले युवाओं को एक ऐसे शुभचिंतक, और मेरे गुरुजी समान नाम है विशाल भगत साहब, वो हमें यहाँ पर बुलाया है आज। हमारे साथ में बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ताहिल कमाल खान, हैदर कासिफ, हमारे बीच में दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैरू जैन जी, और साथ में झप्पड़ पट्टी के हमारे अध्यक्ष प्रदीप साहब, बार अध्यक्ष हमारे मुन्ना जी, और साथ में तमाम मेरे भाई और बहनों, मेरा आज यहाँ पे आने का उद्देश्य ये था, जो छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे जो आज के देश के
भविष्य है, आने वाले काल की पीढ़ी है, आने वाले काल के सुपरस्टार, कोई नेता, कोई एडवोकेट, कोई डॉक्टर, तो ऐसे बच्चे को हौसला देने के लिए जो 9 दिन यहाँ पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम किया है, ऐसे बच्चे के बीच में आके उनको अंदर हौसला और आगे बढ़ाने के लिए जो आज विशाल भगत साहब ने जो गिफ्ट दिया उनको, और हम सब मिलके उनका उनको गिफ्ट देकर उनसे हमने आशीर्वाद लिया है, क्योंकि बच्चों से आशीर्वाद दुआ मिलता है, क्योंकि बच्चों के अंदर भगवान और अल्लाह वसे रहते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ऐसे माहौल में हम सब आके हमने ये प्रोग्राम का लाभ उठाया। मैं धन्यवाद करता हूँ विशाल भगत साहब को, ये तमाम टीम को, और साथ में मीडिया कर्मी को, और हमारे तमाम देशवासियों को इतना बोलना चाहता हूँ, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आने वाले कल, उसके बाद भी हमारे देश को मिले, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता है जो पहले मिला है। अगर मिला है तो उनको हम सब लेके चलेंगे। बस दशहरा की हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन तमाम मेरे देशवासियों को। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अमाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, जहाँ जहाँ बड़े प्यार से हर जगह दशहरे को और ये मनाया जा रहा, जिस तरह से उत्सव बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग भी काफ़ी जगह अटेंड कर चुके हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज दशहरे का लास्ट दिन है। विशाल जी ने इतना बढ़िया बेहतरीन कार्यक्रम रखा। जो विशाल जी, जैसे कि आप देखते हैं कि ये उभरते हुए नेता जो लोगों के लिए दिन रात अपने एक कर रहे हैं, तो मैं आज माता रानी से दुआ करता हूं कि विशाल जी इस देश में एक विशाल नेता की तरह उभर के खड़े हों, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उसी तरह से मेरी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं विशाल जी को। कल्याण जी के बारे में जैसे आप सब जानते हैं कि गरीबों के एक्टर, और वाकई इन्होंने प्रूफ भी कर दिया है कि लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों की मदद करते चले आए ये, और आज भी कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे देश को। इसी तरह से बड़े प्यार से आप दशहरे का त्यौहार मनाते हैं, अभी दिवाली आ रही है, बहुत प्यार से, पूरे खलूस से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बड़े प्यार से हर त्यौहार को मनाएं, और बड़े प्यार से देश में बड़ी मोहब्बत से खलूस से रहें, सबको खूब सारा प्यार दें, सबसे खूब सारा प्यार लें। मेरा आप सबको खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारी दुआएं आप सब मुझे देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, लव यू जी। जी क्या बात, 100%। देखो इसी इलाके से सबसे बड़ा उदाहरण ये बैठे हमारे पास कल्याण जी, जाना यहीं से एक नंबर से निकले हुए हैं, और आज पूरे वर्ल्ड वाइड इनका नाम है, और इंशाल्लाह और पूरी दुनिया, पूरे ग्लोबलाइज इनका नाम होगा। तो कोई भी कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं कहीं मैं गरीब हूँ, कहीं मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं मैं काला हूँ, कहीं मैं गोरा हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हर किसी की सुई से लेकर पहाड़ तक हर किसी को ज़रूरत होती है, और टैलेंट और पानी और हुनर, ये इसको कभी भी कहीं भी रोका नहीं जा सकता। पानी अपनी जगह खुद बनाता है, और हुनर भी अपनी जगह खुद ना को कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास। तो कोई भी बच्चा, कोई भी कहीं भी, कोई भी टैलेंटेड आदमी ये ना सोचे कि मेरे अंदर कोई कमी है, वो अपनी मेहनत करता रहे और अपना टैलेंट दिखाता रहे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो अपनी जगह पे ज़रूर पहुंच जाता है। जैसे पानी गहराई में पहुंच जाता है, ऐसे इंसान अपना हुनर लेके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम मीडिया भाई को मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ, साथ ही साथ में चैलेंज मित्रमंडल का जो इन्होंने प्रोग्राम रखा, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और
दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं, और साथ ही साथ जैसे मंडल के तरफ से बच्चे लोग 9 दिन तक बाल कलाकार के रूप में कुछ न कुछ प्रोग्राम किया, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ऐसे निरंतर कार्य करते रहे और बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये मैं माता जी से कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं विशा सर का धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने यहाँ पर आया और बड़े बड़े कलाकार को यहाँ पर लेके आए, जो हमारा सम्मान बढ़ता है उनसे, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ विशा सर का कि उन्होंने यहाँ तक सबको लेके आया। जो पब्लिक आप देख रही है तो उनका दिल में एक चाहत निर्माण हुई विशा सर के बारे में, और मैं ऐसे ही विशा सर को बोलता हूँ कि आप हमारे पीछे रहो और हम हमारी आपको जो भी है वो हम सहायता करेंगे। जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं सभी देशवासियों को और सभी बच्चों को, यहाँ के बच्चों को मैं दशहरा की शुभकामनाएं देता हूँ, और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी देश का भला करें और हमारे यहाँ के